सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। चाहे शास्त्र पढ़िए, चाहे कथा सुनिए, चाहे सत्संग सुनिए, चाहे प्रवचन कीजिए, चाहे प्रणाम कीजिए, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मन आपका संयमित नहीं है तो। बहुत से लोगों को कहना नहीं चाहिए, कहता हूं। हिमालय के संतों को भी मैंने भेंट किया, दर्शन किया है, संग रहा हूं। और संसार में जितने प्रसिद्ध संत हैं, कथा कहने में उन्होंने दुर्लभता को प्राप्त कर लिया है, भगवान की चर्चा करने में वो पारंगत है, लेकिन अपने ही अपने लिए नहीं, उन्होंने अपने में पारंगत प्राप्त नहीं किया है, उनका मन का अति सूक्ष्म अंग जो ज्ञान है, बुद्धि, उसने पारंगत प्राप्त किया है। उन पर सरस्वती की बुद्धि की कृपा हुई है, वे पोथी को, वेदांत को, रामायण को, गीता को रट गए हैं। वो अपने ढंग से बहुत अच्छी ऐसी मीठी मीठी रस प्रधान बातें करके हमारे को, आपको सम्मोहित कर सकते हैं। हमारे अंदर हो रही केमिकल प्रक्रिया के रसास्वादन में हमें आपको रसमय, प्रेममय, आनंदमय, वीरमय बना सकते हैं, लेकिन अपने खो जाते हैं, हमें आपको देने में खो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था बना लिया है। वे अपने को व्यवस्थित होने के लिए व्यवस्थाओं के दास हो गए हैं। उनमें योग्यता है, उनमें प्रगाढ़ता है कुछ देने की, कुछ करने की, अपने आप को बनाने की, लेकिन स्वयं से भेंट करने की, स्वयं के साक्षात्कार करने की, आप प्रभु से के साथ मिलने की, मिलवाने की क्षमता है माध्यम से, व्याख्या करने की, लेकिन मिलने की क्षमता नहीं है। क्यों? कि वो कंसिट्रेटेड माइंड जीते हैं, वे उनका सारा बल, उनकी सारी शक्ति, उनका सब कुछ उस धारा से बह जाता है, बांटने में, देने में, कहने में। इसलिए वे शरीर से रोगी हो जाते हैं, मन से दुखी हो जाते हैं और अपने को कमजोर बना लेते हैं। संसार के लोग हैं, शक्ति है, बहुत बलवान है, कोई क्रिकेट में माहिर है, कोई फुटबॉल में माहिर है, कोई हॉकी में है, कोई चेस खेलने में है, दे आर बेस्ट। हम भारत के लोग, भारतवासी देवी देवताओं, गुरुओं के उपासक हैं। हम किसी न किसी के साथ जुड़े हैं, हम किसी न किसी के साथ जुड़ करके मांगते आए हैं आशीर्वाद, उनकी कृपा, या हम किसी देवी देवता के पास मंदिर में खड़ा होकर परीक्षा से पहले, किसी काम को करने से पहले जा करके अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आवेदन करते हैं। यह हमारी संस्कार है, हमारी मिट्टी में, भारत भूमि में, हमारे शरीर में, हमारे संस्कार में, हमारी सभ्यता में ये देन है। लेकिन बहुत कम, जितनी एनर्जी उन्होंने उस काम को करने में लगाया है, जितने अपने शारीरिक, मानसिक और प्राणिक ऊर्जा को उस काम को करने में लगा, सफलता प्राप्त किया है, उसका थोड़ा सा अंश भी अपने लिए नहीं देते। इसलिए सब कुछ होते हुए भी, विशाल भवन है, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, विमान के सफर कर रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे मित्र, अति सभ्यता है, लेकिन उनका मन उनके साथ नहीं है, उनका मन प्रभु के साथ नहीं ले जाता। क्यों? संस्कार नहीं बनाए गए। वे दान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, विशाल विशाल मठ मंदिर बनाते हैं, अपने टाइप के मंदिर बनाते हैं, अपने टाइप के आश्रम बनाते हैं, अपने टाइप के संत महात्माओं को खोज करके उनको हाँ अपनी पूजा पाठ में लगवाते हैं, कमी नहीं है, लेकिन क्या कमी है? दे आर वेरी फार अवे, वो अपने आप से बहुत दूर हो चुके हैं, वो इतनी दूर यात्रा कर चुके हैं कि लौटना चाहे भी तो समय उनका साथ नहीं देता। इसलिए मैं ठहरने की बात करता हूँ। व्हाट एवर वी हैव अचीव, जो कुछ भी, मैं जितना सफलता आप प्राप्त किए हो, आप ठहरो, यू हैव टू स्टॉप, पड़ाव डालो, रुको, ठहरो, उसमें सफलता तुम्हें मिलेगी जो कर रहे हो, लेकिन अपने को भी जानो। नो यू, नॉट अबाउट यू, नॉट अबाउट योर नेम, नॉट अबाउट योर पर्सनालिटी, नॉट अबाउट योर फेमस, स्वर्ग मान प्रतिष्ठा को जानने की जरूरत नहीं, ये तो हमें आपको मिल ही जाता है,
हमें स्वयं को जानना है। स्वयं को जो जानता है वो परमात्मा के संग रहता है। स्वयं को जो जानता है संसार के सभी सुखों में वह सुखी है। जो आनंद दुनिया के संपूर्ण संपदा को प्राप्त करने में, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को प्राइम मिनिस्टर, राजा बनने में नहीं मिलता होगा, वह आनंद एक योगी को अपने समाधि में बैठकर मिलता है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ हो लेता है। वह जब समाधि में बैठता है तो परमात्मा का संग हो लेता, वो होता नहीं, उसकी आत्मा परुषे को प्राप्त कर जाती है। उस परुषे को नहीं, शारीरिक मानसिक बल की परुषे को नहीं, उस पुरुषत्व को जिसे हम आप ब्रह्मन कहते हैं, जिसे हम आप सत्य चिद आनंद कहते हैं, जिसे हम आप सुपर कॉन्शसनेस कहते हैं, विच गिव्स यू द इनलाइटनमेंट, जो आपको काशित करता है, आपको इल्यूमिनेट करता है, जो आपको प्रभु का सानिध्य दिलाता है। यह हर किसी में संभव है। गंगा के तट पर बैठ कर कर सकते हैं, या अपने घर में बैठ कर कुटिया में कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वास्तव गंगा आपके घर में आ सकती है मन जब आपको पवित्र है तब, नहीं तो गंगा के तट पर अगर ऐसा नहीं होता, गंगा की महानता नहीं होती, हिमालय का महानता नहीं होता, तो आज हिमालय में हजारों लाखों साधु महात्मा लोग निवस्त्र हो करके भौतिक शरीर की मूल्यांकन को छोड़ करके अपने सूक्ष्म जगत में बैठे हुए अपने मग्न हैं, गहराई में डूबे हुए हैं, समाधि के गहराई में बैठ करके हमारे आपके लिए शिव की तरह सदियों से तपस्या कर रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, सुखी सुख पाए। लेकिन आपकी क्रियाकलापें, आपकी व्यवस्थाएं उस चीज को रिसीव नहीं कर पाती। आप अपने में इतना घिरे हुए हैं, आपने ऐसी चार दीवारी बना रखी है, अपने घर की चार दीवारी, अपने मन की चार दीवारी, अपने बुद्धि की चार दीवारी, अपने प्राप्त अहंकार, आप अपने अनेकों चार दीवारियों के बीच में, बाउंड्री के बीच में घेर लिए हैं कि वह चिंतन, वह प्रवाह यूं ही यहाँ से चल करके, हिमालय चल करके सागर तक जाता है, सागर से लौट करके फिर आपको हिमालय तक आता है। आप प्रतीक्षा करते रह जाते हैं, आपके लिए वो धारा बहती है। जब आपके लिए जब वो मैसेज चलता है तो आप सोए होते हो, और जब वो मैसेज गुजर जाता है तो आप जगते हो अहंकार के साथ, आडंबर के साथ में। यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव नॉट अलर्टनेस, यू आर नॉट बिकमिंग ए विटनेस, आप साक्षी नहीं बने हो, दृष्टा नहीं बनने की कोशिश करते हो। तुम अपना महत्व देते हो, अपने व्यक्तित्व का महत्व देते हो, अपने परिवार का महत्व देते हो, अपने धन धान का महत्व देते हैं। यू हैव नेवर गिवेन ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, हु यू आर, वाट इज बिलोंग्स टू यू, वाट इज नॉट बिलोंग्स टू यू। संसार तो मिला है, किसको नहीं मिला है? अपने रूप में एक सड़क पर भिखारी कार पर भिक्षा मांग रहा है, he has his something, he has a meaning of life, that's why he is begging, because he want to understand the meaning of life. जैसे एक साधु सब कुछ छोड़ करके जंगल में, हिमालय में जा करके वह बैठता है, चुपचाप बैठता है, मौन हो जाता है, शांत, किस लिए? he has a meaning of life, उसको अपने जीवन का अर्थ को समझना है, वह अपने को समझना चाहता है, जीवन के अर्थ को, जीवन के मकसद को, जीवन के मीनिंग को। और आप धन धान को कमाने में अपने जीवन को अर्थ को समझना चाहते हैं। देर ए डिफरेंट बिटवीन यू एंड द हिमालयन पीपुल। आपके पास सभी साधन हैं, आपके पास रिधियाँ हैं, आपके पास सिद्धियाँ हैं, आपके पास संपन्नता है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि ठहराव नहीं है। उसके पास ऐश्वर्य नहीं है, मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, धन नहीं है, धान नहीं है, विधि नहीं है, एक कुश की चटाई पर, लकड़ी पत्थर के चट्टान पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास सुख है, शांति है, आनंद है, और आत्मा रूपी महान वैभव है। वह हर पल भगवान के साथ में, इसे परम सुख, परम शांति, परम आनंद में बैठा हुआ है। आप अपने घर में भी सभी साधनों के साथ रह करके कुछ देर ठहरने की आदत डाल देंगे, कुछ देर भुलाने की आदत डाल देंगे, कुछ देर सभी अवयव को, सभी मेटेरियलिज्म को, सभी थिंग्स को सेपरेट करके अकेले होने की कोशिश करेंगे, टू बी साइलेंस। अभियान का अलग चलाते हुए मां
महायोगी पायलट बाबा जी जैसी अद्भुत शक्ति आपके हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच है। बस जरूरत है तो हमें और आपको उनकी ओर कदम बढ़ाने की। बाबा जी से संपर्क का पता है महायोगी पायलट बाबा आश्रम A65 पंचवटी अपार्टमेंट विकासपुरी न्यू दिल्ली फोन 011-28-53-411-0। महायोगी पायलट बाबा आश्रम तल्ला गेटिया नैनीताल उत्तरांचल फोन 059-42-22-4026 और महायोगी पायलट बाबा आश्रम दक्ष रोड जगजीतपुर कनखल हरिद्वार उत्तरांचल फोन 01334245868।